जो भी चाहिए Z5 ऐप पर पाएं। बस Z5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। कोथड़ी लाल को जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगना चाहिए। आइडिया, शॉर्ट सर्किट। अब जोर का झटका तो बिजली ही दे सकती है ना। पूरी बात तो सुन लो, भाभी को वहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक लगने वाला है। इलेक्ट्रिक शॉक? उसे मैं कैसे रोक सकती हूँ, वो तो अचानक ही लगता है। जैसे मैं इशारा करूँ चुपचाप अंदर चले आना, और हाँ, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। दी, ये काम करवाएंगी नहीं, ये काम बिगाड़ेंगी। पूर्वा नाम की चिड़िया कैसे फड़फड़ाएगी ना, बस देखते जाइए। तुमने अपनी दी को बताया जो मैंने तुमसे कहा था? मिस्टर द्विवेदी का फोन आया था, पार्टी देखने के बाद वो अपनी कंपनी में मुझे जॉब ऑफर कर रहे हैं और मैंने हाँ कह दिया। कुरियर आया। किसके नाम से आया भैया? मिसेस पूर्वा त्रिपाठी। नौकरी करके तुझे इस घर की इज्जत नीलाम नहीं करने दूंगा मैं। जब आप इस घर की इज्जत को जेल भेज सकते हैं, तो नौकरी पर क्यों नहीं? मेरी इतनी हिम्मत? मैं प्रीतम से मिल के आया, मैं खुद चाहता हूँ कि इन दोनों की शादी हो, और वो भी खुशी से कर लेता अगर ये लड़की इस घर की बहू ना होती तो। उन्हें पूर्वा से क्या मतलब? उसकी माँ को मतलब है। उसका ये कहना है कि वो उस घर में शादी नहीं कर सकती जिस घर की बहू का पहले कोई प्रेमी था जो शादी को उसे छोड़ के भाग गया था। एक बारी खुद मिलूंगा प्रीतम जी से, सच उनसे सुनूंगा। अगर मेरी बात सच निकली तो बुआ की डोली उठने से पहले पूर्वा ये घर छोड़ के चली जाए। देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। निदान जी, आप शर्मिंदा कर रहे हैं हमें, प्लीज। ये तो मेरी अम्मा की रखी हुई शर्त है, और हमारी अम्मा की शर्त के खिलाफ जाना ये नहीं हो पाएगा। एक तरफ तेरा कन्यादान और दूसरी तरफ उस पूर्वा की घर वापसी। पूर्वा घर छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। तीन शर्तें जो आप मानेंगे। पहली शर्त कि पूर्वा की नौकरी में आप बिल्कुल दखलअंदाजी नहीं करेंगे। दूसरी शर्त, इस बार आप पूरे परिवार के साथ महाशिवरात्रि मनाएंगे और मां और पूर्वा के साथ तमीज से पेश आएंगे। और मेरी तीसरी और आखिरी शर्त कि आप आज के बाद मुझे कुदड़ी लाल नहीं, वेदांत कह के बुलाएंगे। इत्र इत्र सा मेरे सांसों में बिखर जा, मैं फकीर तेरे कुर्बत का, तुझसे तू मांगू दे, तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागू। तुम्हारी पसंद पे ना मुझे वैसे भी भरोसा नहीं है। क्या करते हैं आप? अरे, किसी का घर वीर खाली कराने का होगा ना, तो अपुन को बोलने का, लड़की को मस्त तैयार करके रखने का, अपुन कल ही सब फुल टू फाइनल करने वाले। आपको सगाई की बहुत बहुत बधाई। लड़की कहाँ से है? कोई देशमुख परिवार करके, ये देखिए। राहुल, इंटरनेशनल नंबर से? उसका पुराना नंबर तो शादी के दिन से बंद था नहीं अब। अरे तो पता करो दी, उनसे मिलकर आओ, हो सकता है राहुल की कोई मजबूरी हो। क्या आप अपने पहले प्यार को यूं ही जाने दोगे? मुझे तो जिंदगी भर यही लगा था कि आप ही ठीक ठाक पति हैं, पर उधर नजर डालिए। उधर देखो, आप भी बदल गई। हाँ, वो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मुझे तो रमेश भैया ने समझाया कि घर में खुशी का माहौल है तो सबको मिलकर त्योहार मनाना चाहिए। गोमती बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया जो कपड़े बदल लिए। अम्मा, अब तो आपने हमें माफ कर दिया ना, उस दिन हम अपने आपे से बाहर हो गए थे, माफ कर दीजिए।
वेदांत, ये तुम्हारे लिए। माँ, इससे अच्छा तोहफा मुझे आज तक नहीं मिला है। अरे पहले खोल के देखो तो सही, इसमें क्या है। मेरी माँ पहली बार खुद कुछ मेरे लिए लेकर आ रही है, उससे ज्यादा कीमती मेरे लिए क्या होगा। आपने अपने लिए कुछ नहीं लिया। वो देखो, इन खुशियों से बढ़कर कोई कीमती तोहफा हो सकता है क्या मेरे लिए? भैया सुनो ना, मम्मी कह रही है कि आज के दिन हमें भजन कीर्तन करना चाहिए। कि भगवान का देना तो नाचना गाना गलत है। चाची, शादी वाले दिन नाच गाना तो होता ही है ना। हाँ तो बस फिर आज भी तो शादी है ना। है भगवान शंकर और माँ पार्वती की, तो आज भी नाच गाना बनता है ना भाई। ये सब बातें ठीक हैं, लेकिन कोई बताएगा कि इस प्रोग्राम में हमें करना क्या है? पापा ध्यान से सुनो, तो सारे कपल्स हो जाओ रेडी, क्योंकि सबसे पहले होगी डांस की। सब लोग अपने डांस के लिए रेडी हो जाओ। और हम दोनों? अरे आप दोनों, आप दोनों तो हमारे शो के जज होंगे। वेदांत, तुम्हारी कोशिश काम कर रही है, सब एक साथ है, सब खुश है। अभी नहीं। मैंने जो किया उसकी सजा मिल रही है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। प्लीज तुम और सजा मत दो, बस एक बार मुझसे जीवन रेखा हॉस्पिटल में आके मिलो। राहुल, वेदांत को पता है राहुल के बारे में? क्यों छुपाया कि राहुल यही और क्या हॉस्पिटल में एडमिटेड है? वरमाला पहनाओ पूर्वा को। पूर्वा कहाँ है? मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी करूंगी। ये ले, मार इस सौतन को और ले अपना बेटा वापस। कल हमारे घर पे महाशिवरात्रि की महापूजा है और आप सबको जरूर आना है। राखी जी, आपके घर की पूजा है तो हम? हमका क्या मतलब है आपका? आप भी तो हमारे घर के ही हो ना। हाँ हाँ। और आप सबको जरूर आना है। कौन है? मैम, आपका कोरियर है। मैंने कहा ना, मैंने कोई पता मुझे पता मुझे क्या रखा है। घर से दूर जाके इल्म हासिल कर सकती है। बेशक जा सकती है, लेकिन जैसा हमारे शरिया कानून में बताया गया, वैसे ही अपने महरम के साथ। हीना बीबी, या तो आपके साथ कोई महरम जाएगा या तालीम लखनऊ में हासिल होगी। शहर काजी होने की हैसियत से आप कोई ऐसा हल निकाले जो ना ही हदीस के खिलाफ हो और ना ही हीना की जिंदगी खराब। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल, देखिए। लग नहीं रहा, आप मदद कर देंगे प्लीज? अग्रवाल घर की दीवारों में दफन है 333 का गहरा राज। घर में हो रही वारदातों के पीछे है कोई रूहानी ताकत या इंसानी साजिश? 333 का राज खुलेगा। क्या साहिल और वेदिका सुलझा पाएंगे इस गुत्थी को? आखिर कौन है जिसने दस्तक दी है अग्रवाल परिवार में? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी में।
मल्हार जी, वहां पे कोई है। कौन? काली पूजा के अवसर पर पुचकी चाहती है अपने ससुराल में शान की पत्नी का दर्जा। जिस बदनाम कलियों की मिट्टी से काली माँ की मूर्ति बनती है, उस आंगन की लड़की बड़े घर की बहू नहीं बन सकती। क्यों किया इनकार शान ने पुचकी को अपनी पत्नी मानने से, उठेगा इस राज पर से पर्दा। 2 घंटे के स्पेशल एपिसोड में इस शनिवार शाम 7 से 9 बजे सिर्फ ZTV पर।